हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएन चिल्ड्रन एकेडमी। एज यू नो माय नेम इज़ तबस्सुम परवीन एंड टुडे आई हैव कम टू यू विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर क्लास नाइन्थ इंग्लिश, दैट इज़ द हैप्पी प्रिंस। आज की जो हमारी स्टोरी है वो एक हैप्पी प्रिंस से रिलेटेड है। इट मीन्स एक हैप्पी प्रिंस की स्टैचू है, वो अलाइव प्रिंस नहीं है, ऑलरेडी डेड है। एक हैप्पी प्रिंस की स्टैचू है जिसको देखकर मतलब वो इतनी आर्किटेक्चर ने इतनी सुंदरता से उसकी स्टैचू बनाई है, बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे वो बिल्कुल एक बिल्कुल अलाइव पर्सन होता है। अलाइव पर्सन की तरह उसके फेस पर उतना ही ग्लो, उतना ही तेज है। और जब एक इसमें एक कहानी है कि वो इतना खुश है, उसकी स्टैचू भी उसके हैप्पी मूड को देख कर ही बनाई गई है। जब तक वो जिया, यानी जब तक वो जीवित था, वो बहुत खुश था। लेकिन आज जब उसको मरने के बाद उसकी स्टैचू एक उसके टाउन में मतलब बहुत ऊंचे टावर पर एक बहुत ऊंची स्टैचू बना दी गई है, जहाँ से वो अपने पूरे टाउन को, पूरी सिटी को देख सकता है, तो वहाँ वो ये रियलाइज़ कर रहा है कि उसके आसपास जो पीपल्स हैं, यानी उस टाउन में, उस सिटी में कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं। उसको रियलाइज़ हो रहा है कि जब तक मैं जीवित था मैंने कभी इस बात को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे कभी किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ा। मुझे लगता था कि जो लाइफ है वो बहुत ईजी है, लेकिन अब इन लोगों को देख कर लग रहा है कि जो लाइफ है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, और ये लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, और मैं आज कितना हेल्पलेस हूँ कि मैं इन लोगों की किसी तरह मदद भी नहीं कर सकता। और उसके पास एक स्वेलो आता है, एक अबाबील आता है, जिसकी मदद से वो इन परेशान लोगों की मदद करता है। तो आइए देखते हैं क्या है इस स्टोरी में। हाई अबोव द सिटी ऑन टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। For eyes he had two bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt। वो कह रहे हैं कि एक हाई अबोव द सिटी, सिटी के बिल्कुल एक हाई जगह पर, बहुत ऊंची जगह पर, एक टॉल कॉलम पर एक हैप्पी प्रिंस की स्टैचू बना दी गई। ये हैप्पी प्रिंस जो उस सिटी का प्रिंस था, जो ऑलरेडी मर चुका है, हैप्पी प्रिंस की, इसलिए उसका नाम हैप्पी प्रिंस रखा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश रहता था। ही वॉज गिल्डेड ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। उसकी स्टैचू पर चारों ओर फाइन गोल्ड की लीव्स लगा दी गई हैं, यानी जो उसकी स्टैचू बनाई गई है वो बिल्कुल गोल्ड से बनाई गई है। फॉर आइज, और उसकी आइज में, ही हैड टू ब्राइट सफायर्स, उसकी आइज में टू ब्राइट सफायर्स लगा दिए गए हैं, एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लोज ऑन हिज सोर्ड हिल्ट, और उसकी जो सोर्ड हिल्ट है, यानी आप कह सकते हैं उसको सोर्ड को पकड़ने का जो हैंडल है उस पर एक रेड रूबी लगा दी गई। रूबी और सफायर्स जो होते हैं ये बहुत ही कॉस्टली डायमंड कहे जाते हैं। जैसे सफायर्स को आप हिंदी में, अगर आपने सुना होगा तो नीलम बोलते हैं, नीलम नाम का आपने सुना होगा, मोती या हीरा होता है। तो सफायर्स और रूबी ये बहुत ही कॉस्टली डायमंड होते हैं, यानी उसकी स्टैचू बिल्कुल गोल्ड से बनी हुई है और उसकी स्टैचू में सफायर्स एंड रूबीज ऑलरेडी उसके अंदर लगा दिए गए हैं। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो। बता रहे हैं कि एक रात एक छोटा सा स्वेलो, स्वेलो यानी हिंदी में आप एक बर्ड का नाम कह सकते हैं, अबाबील है ना, एक छोटा सा स्वेलो उड़कर आता है उस सिटी में। हिज फ्रेंड्स हैज़ गोन अवे टू इजिप्ट 6 weeks बिफोर, यानी उस अबाबील के, उस स्वेलो के जो फ्रेंड्स हैं वो ऑलरेडी 6 weeks ago इजिप्ट के लिए जा चुके हैं। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, यानी मीन्स यहाँ जो ये आपने देखा होगा बर्ड्स जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह प्लेस चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, तो कहते हैं ना कि एटमोसफेयर या जो क्लाइमेट होती है उसकी चेंजिंग के अकॉर्डिंग ये अपने आप को अपनी प्लेसेस बदल लेते हैं। तो यहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली थी, इसलिए जो अबाबील है वो भी इजिप्ट जाना चाह रहा था, और उसके ऑलरेडी जो फ्रेंड्स थे वो 6 weeks बिफोर जा चुके थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो यहाँ रुक गया था। That he decided to go to Egypt too, और उसके बाद उसने भी डिसाइड किया कि अब उसे भी इजिप्ट जाना चाहिए, या वो भी अब इजिप्ट जाएगा। All day long he flew and at night the time he arrived at the city, पूरे दिन वो उड़ा और रात में वो उस सिटी पर पहुंच जाता है, यानी पूरे दिन की उड़ने के बाद, जर्नी करने के बाद जो स्वेलो है वो उस सिटी में पहुंचता है। Where shall I put up? He said, I hope, अब वो अपने आप से पूछ रहा है, कह रहा है कि मैं अपने आप को कहाँ, मतलब पुट अप रखने का मतलब मैं अपने आप को कहाँ रखूँ, कहाँ मैं शेल्टर लूँ। आई होप, मुझे उम्मीद है, द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन, इस टाउन ने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस की हुई हैं। देयर ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, आई विल पुट अप देयर। प्रिपरेशंस का मतलब, यानी वो ये इमेजिन कर रहा है कि मुझे उम्मीद है कि इस टाउन में मुझे कहीं ना कहीं शेल्टर के लिए प्लेस मिल जाएगा, और तभी वो उस स्टैचू को देखता है जो एक बहुत ऊँची एक टॉल कॉलम पर हैप्पी प्रिंस की स्टैचू लगाई गई है, वो उसको देख रहा है। आई विल पुट अप देयर, मुझे यहाँ रुकना चाहिए, मुझे यहाँ शेल्टर लेनी चाहिए।
He cried, "It's a fine position with plenty of fresh air." So he alighted just between the feet of the happy prince. वो अपने आप से चिल्ला कर कह रहा है, बोल रहा है कि ओह ये तो बहुत ही अच्छी जगह है, एक बहुत अच्छी सुटेबल जगह है मेरे लिए, सुटेबल प्लेस है मेरे लिए जहाँ मैं एक फ्रेश एयर भी ले सकता हूँ और अपने आप को शेल्टर भी कर सकता हूँ। वो स्टैचू इतनी ऊँची थी कि वो अपने आप को जो प्लेस लेता है, शेल्टर लेता है, वो हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में लेता है, पैरों के बीच में, जहाँ उसको मतलब कह सकते हैं कि उसे किसी तरह की ठंड भी नहीं लग सकती और एक बहुत प्रॉपर प्लेस है उसके रुकने के लिए। I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked round and he prepared to go to sleep. अब वो वहाँ आराम कर रहा है और बड़े आराम से, मतलब कहते हैं ना अपने ऊपर ही कमेंट कर रहा है, अपनी तारीफ कर रहा है, अरे वाह अपनी तारीफ कर रहा है, कितनी अच्छी बात है मुझे गोल्डन बेडरूम मिला है आज यहाँ आराम करने के लिए, क्योंकि वो जहाँ हैप्पी प्रिंस के पैरों में है ऑलरेडी हैप्पी प्रिंस की स्टैचू जो है वो बिल्कुल गोल्ड की बनी हुई है, तो वो अपने आप को बड़ा मतलब फॉर्चुनेट महसूस कर रहा है, कह रहा है अरे वाह कितना अच्छा है आज तुम सोने जा रहे हो, आज मैं जहाँ सो रहा हूँ तो यहाँ बिल्कुल मेरे लिए गोल्डन रूम है जहाँ मैं आज अपने आप को रोकने वाला हूँ या मैं रुका हुआ हूँ। बट जस्ट हैज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। अब जैसे ही वो स्टार्ट करता है लेटना, इट मीन्स आप कह सकते हैं क्योंकि रात का टाइम था तो वो सोने की प्रिपरेशन में था, थका हुआ था पूरे दिन की जर्नी से, अब वो जैसे ही स्टार्ट करता है कि मैं लेट जाऊँ अपने विंग्स को, जैसे ही वो अपने हेड के अंदर करता है तो देखता है कि एक उसके ऊपर एक पानी की बूंद आकर गिरती है। वॉट अ क्यूरियस थिंग ही क्राइड, अब वो चिल्ला कर कहता है कि अरे ये क्या चीज़ है, मतलब अब उसको सरप्राइज़ हो रहा है कि ये पानी कहाँ से आया। देर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट एंड यट इट इज़ रेनिंग, वो कह रहा है अरे एक इवन एक सिंगल क्लाउड भी नहीं है स्काई में, एक टुकड़ा भी बादल का नहीं दिख रहा है, स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, जो स्टार्स हैं वो बिल्कुल चमकदार हैं, बिल्कुल ब्राइट हैं एंड यट इट इज़ रेनिंग, और फिर भी बारिश हो रही है, मतलब वो जो पानी की बूंद उसके ऊपर गिरती है वो रियलाइज़ करता है कि अरे ये पानी बारिश हो रही है लेकिन कहीं भी ना तो कोई क्लाउड है और बिल्कुल स्टार्स भी बहुत ज़्यादा ब्राइटली चमक रहे हैं। देन अनदर फेल ड्रॉप, अब इतनी बात वो कह ही रहा है अपने आप से तभी एक दूसरी ड्रॉप उसके ऊपर गिर जाती है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सैड आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। अब वो अपने आप को फिर कमेंट करके बोल रहा है, कह रहा है अरे इस स्टैचू का, इस गोल्ड स्टैचू का क्या यूज़ है, क्या फ़ायदा है जब ये एक बारिश तक नहीं रोक पाई, मतलब मैं उसके पैरों में मैंने शेल्टर के लिए लेटा हुआ हूँ, पड़ा हुआ हूँ, यहाँ भी बारिश आ रही है, इस इतनी बड़ी स्टैचू का, इतनी बड़ी इतनी कॉस्टली स्टैचू का क्या फ़ायदा है, इससे तो अच्छा होता कि मैं एक चिमनी पॉट में अपने आप को रोक लेता, मैं अपनी चिमनी पॉट में रुक जाता। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई, और ये बात कहते हुए वो सोचता है कि क्यों ना मैं यहाँ से उड़ जाऊँ क्योंकि बारिश शुरू हो गई है और मुझे लग नहीं लगता कि ये मेरे लिए एक सुटेबल प्लेस है। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल, अब जैसे ही वो उड़ने के लिए अपने विंग्स को ओपन करना चाहता है वैसे ही एक तीसरी बूंद यानी थर्ड ड्रॉप उसके ऊपर गिर जाती है। एंड ही लुक्ड अप एंड सा, ओह व्हाट डिड ही सी, अब वो ऊपर को देखता है, अब वो देखता है अरे ये क्या है, मतलब वो देखने के बाद उसको रियलाइज़ होता है कि ये क्या हो रहा है, वो उस थर्ड बूंद को, मतलब अब वो ये कुछ देखने की कोशिश कर रहा है कि सच में बारिश हो रही है, ये क्या है ये बूंद, मतलब वन बाय वन करके ये जो रेन ड्रॉप है ये मेरे ऊपर क्यों गिर रही, ओह व्हाट डिड ही सी, अब देखिए वो क्या से देखता है। द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टियर्स एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, अब वो देख रहा है कि जो हैप्पी प्रिंस जिस स्टैचू में उसने अपने आप को शेल्टर लिया हुआ है, जहाँ वो रुका हुआ है, उस हैप्पी प्रिंस की स्टैचू यानी उसकी जो आँखें हैं वो आंसुओं से भरी हुई हैं। एंड द टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स, और जो आंसू हैं वो उसके गोल्डन चीक्स पर बह कर आ रहे हैं। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पिटी, अब वो कह रहा है मतलब उसका मून लाइट में आकाश में, क्योंकि ऑलरेडी स्टार्स हैं, मून ब्राइट हो रहा है, शाइन हो रहा है, तो उसका क्योंकि वो गोल्डन स्टैचू है, गोल्ड की बनी हुई है, तो कह रहा है कि उसका जो फेस है हैप्पी प्रिंस का वो मून लाइट में इतना सुंदर लग रहा है कि बिल्कुल उसको देख कर इतनी मन में दया की भावना आ रही है, इतनी दया आ रही है कि स्वेलो बिल्कुल एक काइंडनेस, एक पिटी से फिल हो जाता है। हु आर यू, ही सैड, अब वो पूछता है, कौन पूछता है, स्वेलो पूछता है प्रिंस से, हु आर यू, आई एम द हैप्पी प्रिंस, अब हैप्पी प्रिंस उसको रिप्लाई करता है कि आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं एक हैप्पी प्रिंस हूँ, व्हाई आर यू वीपिंग देन, आस्क द स्वेलो, तो फिर उसके बाद उसका रिप्लाई है स्वेलो का, वो पूछता है जब तुम एक हैप्पी प्रिंस हो तो तुम क्यों रो रहे हो, आखिर क्या रीज़न है तुम हैप्पी प्रिंस होने के बाद भी रो रहे हो, सब तुम्हें हैप्पी प्रिंस कहते हैं, तुम्हारी स्टैचू भी एक हैप्पी वे में बनी हुई है फिर भी तुम रो रहे हो, यू हैड क्वाइट ड्रेंच्ड मी व्हेन आई वॉज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, वो कह रहा है कि मैं जब क्वाइट ड्रेंच्ड मी, मतलब जब मैं जिंदा था और मेरे अंदर एक ह्यूमन हर्ट था तो मतलब मैं इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर था, मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे दुख नहीं था, ड्रेंच्ड मतलब मैं कभी भी आंसू, मेरी आँख में कभी आंसू नहीं आए थे,
आंसर द स्टैचू, स्टैचू कहती है आई डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वर, मैं नहीं जानता था कि आखिर आंसू होते क्या हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्यों? क्योंकि मुझे कभी भी किसी दुख की कोई भी फीलिंग नहीं हुई, मैं हमेशा एक पैलेस में रहता था जहाँ किसी भी तरह का कोई दुख नहीं था और मुझे हमेशा वहाँ हर तरह की कन्वीनियंट थी, मुझे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी, कोई भी दुख मेरे पास नहीं था। वेयर सोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक प्रिंस था, पैलेस में रहता था, तो वहाँ कभी भी कोई सोरो नहीं आया, इट मीन्स मैं इतना कम्फर्ट था कि मुझे कभी किसी दुख का एहसास नहीं हुआ। My courtiers called me the happy prince and happy indeed I was. और इसीलिए मेरे courtiers यानी मेरे जितने भी आप कह सकते हैं जो मेरे महल में रहते थे, जो courtiers थे, वो सब मुझे हमेशा happy prince कहते थे। और सच में मैं happy prince था भी, क्योंकि मैं कभी नहीं रोया, मुझे ये नहीं पता था कि दुख क्या होते हैं, आंसू क्या होते हैं। सो आई लिव्ड, और मैं जीता था, एंड सो आई डेड, और बिल्कुल मैं बिल्कुल हैप्पी प्रिंस की तरह मैं जिया और मैं हैप्पी प्रिंस की तरह ही मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड They have set me up here so high that I can see the ugliness. अब वो कह रहा है कि अब जब मैं मर गया हूँ और मेरी एक स्टैचू यहाँ एक सिटी के ऊपर बिल्कुल हाई कॉलम पर लगवा दी गई है, तो यहाँ से मैं सबको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकता हूँ। अब मैं इस अगलीनेस यानी इतनी अभद्रता देख सकता हूँ, ऑल द माइजरी ऑफ माई सिटी, मेरी शहर की, मेरी टाउन की, मैं सारी माइजरी, सारी परेशानियाँ, सारे दुख सब देख पा रहा हूँ। एंड दो माई हर्ट इज़ मेड ऑफ लेड येट आई कैन नॉट चूज़ बट वी, वो कह रहा है कि जबकि मेरा जो दिल है वो एक लेड का बना हुआ है, लेड का बना हुआ है यानी मेटल का बना हुआ है, ये अलाइव पर्सन का हार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मतलब ये मैं जानकर नहीं कर रहा हूँ, मुझे इन सबको देख कर इतनी मेरे मन में दया आ रही है कि मैं अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और मेरी आंखों से आंसू निकले जा रहे हैं। मतलब इन आज तक जो दुख, जो परेशानी मैंने कभी फील नहीं की और मैं हमेशा एक हैप्पी प्रिंस की तरह जिया और हैप्पी प्रिंस की तरह ही मेरी जो है मैं मर गया, मेरी मौत हो गई, लेकिन आज मैं एक स्टैचू बनकर जो चीज़ मैंने कभी जीवित रहकर महसूस नहीं की, जिंदा रहकर महसूस नहीं की, आज वो मैं मरने के बाद महसूस कर रहा हूँ अपने आसपास के लोगों को देखकर, इनकी परेशानियों को देखकर, इनकी डिफ़िकल्टीज़ को देखकर, मेरा जो दिल है वो दया से भर गया और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, मेरी आँखों से आँसू निकल रहे हैं।